असलम वेलकम टू सई टी वी दोस्तों किसी जहाज में सफ़र करते हुए अगर पायलट ये बोले कि आपको एक ऐसी फ्लाइट पर खुश आमदेद कहते हैं जो पाँच मिनट में टेक ऑफ करेगी और सैंतीस साल के लंबे अरसे के बाद लैंड करेगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा साफ जाहिर है कि सैंतीस साल तक हवा में उड़ने के बाद किसी अन नोन कंट्री में लैंड करना पागलपन लगता है तो दोस्तों आज आपको एक ऐसी अमेरिकन फ्लाइट के बारे में बताएंगे जो न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही थी और सैंतीस साल के लंबे अरसे के बाद क्राकस में जाके हंगामी लैंडिंग के तौर पर लैंड कर गई सैंतीस साल तक जहाज हवा में कैसे रहा क्या इस पर सवार लोग बूढ़े हो गए क्या ये जहाज़ टाइम ट्रेवल करके आया था इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए मगर इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सईद टीवी सब्सक्राइब नहीं किया वो अब सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को लाजमी दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बरवकत मिल सके तो आइए नजर शुरू करते हैं दोस्तों दो जुलाई उन्नीस सौ पचपन की एक शानदार सुबह को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पेन अमेरिकन फ्लाइट नंबर नाइन वन फोर में सत्तावन मुसाफिर सवार होकर मियामी की तरफ जा रहे थे इस फ्लाइट ने बिना किसी मुश्किल के टेक ऑफ किया और तीन घंटे तक ये जहाज़ हवा में उड़ता रहा इस जहाज़ में सवार तमाम मुसाफिर मियामी के खूबसूरत साहिलों के ख्वाब लिए अपने मंजिल की तरफ़ रवा दवा थे कि तीन घंटे के बाद अचानक ये फ़्लट रिडार से गायब हो गई म्यामी में मौजूद तमाम रीडार पर यह किसी किस्म की कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी कि कोई भी फ्लैट उनके एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है मगर न्यूयॉर्क की तरफ से मुसलसल ये कमांड दी जा रही थी कि पेन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट फ्लोरिडा में लैंड करने वाली है कुछ देर के बाद मियामी में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने घबरा कर न्यूयॉर्क में मौजूद एयरपोर्ट पर कॉल की तो पता चला कि उनके रिडार से भी यह जहाज़ गायब हो चुका है यह जहाज़ हैरान कन तौर पर दोनों एयरपोर्ट्स रिडार से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था किसी को कुछ पता नहीं था कि जहाज़ अचानक कहाँ चला अच्छा गया इसको ज़मीन कहा गया या आसमान निकल गया मगर जो भी था इस जहाज का कोई भी नाम व निशान नहीं था। फिर इस जहाज की तलाश जारी कर दी गई इस जहाज को ढूंढने के लिए बहुत से हेलीकॉप्टर को भेजा गया दोनों मुल्कों की आर्मीज की मदद भी ली गई मगर इस जहाज़ का कोई भी सुराग ना मिल सका जहाज़ हवा में ही कहीं गायब हो चुका था यहाँ तक कि इस जहाज़ की तलाशी के लिए समंदर में भी टीम भेजी गई मगर कई दिनों की तलाश के बाद समंदर में भी कोई सुराग ना मिल सका काफ़ी दिनों की मुसलसल तलाशी के बाद न जहाज़ के पायलट से रबता हुआ और न ही किसी मुसाफिर से कोई रबता कायम किया जा सका ये फ्लाइट और इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर सफ़े हस्ती से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके थे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई कि ये जहाज़ दुनिया में किसी जगह क्रेश कर चुका है इसमें मौजूद तमाम लोग मौत का शिकार हो चुके हैं मगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाले इदारों के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि अगर वो जहाज़ क्रैश भी कर गया है तो वो मुसाफिर और जहाज का मलबा कहाँ गया है अमेरिकन पेन नामी ये फ्लाइट एक पुररार पहेली की तरह रह गया जिसका हल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था दिन गुजरते चले गए अमेरिकन पैन नामी इस फ्लाइट की बात भी धीमी पड़ती चली गई मगर सैंतीस साल के लंबे अरसे के बाद अचानक इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया ये 9 सितंबर उन्नीस का एक बहुत ही खूबसूरत दिन था जब कराकस में विनी लोजोला एयरपोर्ट पर जान डीला कार्टिना में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी कंट्रोल रूम में नॉर्मल रूटीन के साथ काम करने में मसरूफ़ था और काफ़ी पीते हुए फ्लाइट्स को मुख्त किस्म की हिदायत दे रहा था कि अचानक एक बहुत ही अजीब वरीब वाक़ पेश आया अचानक ही न जाने कहाँ से रिडार पर एक और डाट नज़र आने लगा जिसके बारे में इसको किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी गई थी ये जहाज़ न जाने कहाँ से उसके रिडार में आ गया और ये कहाँ आ रहा है और कहाँ से जा रहा है इसके बारे में भी जान डीला कोई इलम नहीं रखता था जान डीला ने उस नज़र आने वाले डाट को सिस्टम की गलती समझते हुए नज़रअंदाज किया मगर रिडार पे आने वाली ये रीडिंग बिल्कुल ही गलत नहीं थी और सही मानों में एक जहाज़ को हवा में क्राकस की एयरपोर्ट की तरफ आते हुए देखा जा सकता था ये जहाज़ काफ़ी पुराना था और डी सी फोर मैकडोनल्ड डगलन मॉडल का ये जहाज़ किसी भी तरह से इस दौर का नहीं लगता था एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस जहाज़ को देख कर परेशान हो गए कि अचानक इतना पुराना जहाज़ कहाँ से आ गया परेशानी की असल वजह यह नहीं थी परेशानी तो इसके बाद आने वाली थी जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अपना रेडियो ऑन करते हुए जहाज़ के पायलट के साथ रा किया तो जहाज़ पर सवार पायलट ने टावर से एक बहुत ही अजीब सवाल किया पायलट ने इंग्लिश में पूछा कि हम कहाँ पर हैं टावर की तरफ से जान डीला ने जवाब दिया कि आप क्राकस एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं ये सुनना था कि पायलट की तरफ से कुछ देर के लिए खामोशी चाह गई और फिर खामोशी तोड़ते हुए पायलट ने इंग्लिश में जवाब दिया कि ये फ्लाइट पैन अमेरिकन फ्लाइट नंबर नाइन वन फोर है जो न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ़ जा रही है और इस फ्लाइट पर सतावन मुसाफिर सवार हैं यह सुनना था कि अब टावर की तरफ से कुछ देर के लिए खामोशी छा गई टावर पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस सोच में परेशान हो गया कि आखिर ये फ्लाइट 1100 मील इतनी दूर क्या करती फिर रही है ये तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि यह फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ने के बाद किसी भी किस्म की रीफिलिंग करने के बगैर क्राकस तक पहुंच सके जॉन डीलर ने अपनी परेशानी को साइट पर रखते हुए पायलट से कुछ और सवाल पूछे तो पायलट ने एक और हैरानकुन बात बताई पायलट ने जवाब दिया कि यह फ्लाइट मियामी एयरपोर्ट पर 2 जुलाई 1955 में नौ बजकर पचपन मिनट पर लैंड करने वाली है ये सुनना था कि टावर की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी जा गई और वो हैरान परेशान होकर इस बात का कोई भी जवाब न दे सके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझा कि शायद पायलट पागल है और इस वक्त दिमागी तोज़न दुरुस्त नहीं क्योंकि उस दिन 2 जुलाई 1955 की बजाय 9 9 सितंबर उन्नीस का दिन था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को किसी किस्म का और सवाल करने की बजाय लैंड करने के लिए ओके की रिपोर्ट दे दी पेन अमेरिकन नामी ये फ्लाइट बड़ी आसानी के साथ कराकस एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और ग्राउंड यूनिट्स को फौरी तौर पर बुला लिया गया एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम अमला इस जहाज के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगा जॉन डीला ने पायलट्स की मुख्तफ किस्म के हैरान कुंजो आप सुनने थे सुनने थे इसलिए जॉन डीला ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भी बुलाया था ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी इस जहाज़ के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई इससे पहले कि इस फ्लाइट के दरवाजे खुलते एयर कंट्रोलर ने पायलट से एक बार फिर रबता किया जॉन डीला ने पायलट से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि आज की तारीख नौ सितम्बर उन्नीस सौ बयानवे है यह सुनना था कि पायलट एकदम से घबरा गया और फिर पायलट ने एक ऐसा काम किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था पायलट ने बजाय जहाज के दरवाजे खोलने के घबराए हुए अंदाज़ में ऊंची आवाज़ में कहा कि जहाज़ से दूर रहो मैं जहाज को उड़ाने लगा हूँ एयर कंट्रोलर जॉन डीला ने पायलट को बहुत समझाने की कोशिश की कि रन वे क्लियर नहीं है और किसी किस्म का हादसा पेश आ सकता है लिहाजा पायलट जहाज को टेक ऑफ के लिए न दौड़ाए मगर पायलट घबरा चुका था और उसने अहदे का नताव जहाज को रनवे पर दौड़ाते हुए टेक ऑफ कर गया इससे भी ज़्यादा हैरान कन बात कि जैसे ही यह जहाज़ टेक ऑफ किया तो कुछ देर हवा में उड़ने के बाद कराकस की रिडार पर शोर होता रहा मगर एक घंटा हवा में उड़ने के बाद यह कराकस एयरपोर्ट की रिडार से भी ग़ायब हो गया और वो दिन और आज का दिन वो जहाज़ उसके बाद दोबारा फिर से कभी न मिल सका और ये जहाज़ फिर से हवा में गायब हो गया और अपने पीछे कई किस्म किसी किस्म का कोई सुराग भी न छोड़ गया ये सारी बातें तो अपनी जगह मगर यह सवाल आज भी एक पहले है कि आखिर ये जहाज़ सैंतीस साल तक कहाँ रहा और अगर ये सैंतीस साल तक हवा में भी रहा तो इतना ज़्यादा तेल या जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों के लिए खुराक का इंतज़ाम कहाँ से होता रहा इस वाकई की इन्वेस्टिगेशन भी की गई और कुछ लोगों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉन डीला को झूठा साबित करने की कोशिश की और उस पर इल्जाम लगाया कि जॉन डीला ने अपनी तरफ से मन कहानी सुना रहा है मगर जॉन डीला की बात को सच साबित करने के लिए एक छोटा सा सबूत मिल गया पेन अमेरिकन टेक ऑफ करने से पहले एक कैलेंडर इस एयरपोर्ट पर पहन गई जो 1955 का कैलेंडर था इस कैलेंडर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह जहाज़ हुआ कि ही 1955 में मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था दोस्तों इस फ्लाइट के बारे में दो तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं एक तो यह कि यह जहाज हमेशा के लिए पिर से गायब हो गया क्योंकि यह जहाज़ टाइम ट्रेवल करके गलती से फ्यूचर में आ गया था और दूसरी ये कहानी कि यह जहाज़ गायब नहीं हुआ था बल्कि कराकस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने इस जहाज़ को पकड़ लिया था और इस जहाज़ में मौजूद पायलट और तमाम लोगों का डॉक्टर्स की तरफ से अच्छा खासा मुआना भी कराया गया और हैरान हैरानकन तौर पर मुआने के बाद ये बात भी सामने आई कि इस फ्लाइट पर मौजूद पायलट और तमाम मुसाफिर बिल्कुल सेहतमंद हैं इससे बढ़कर हैरान कन बात यह कि आधी सेंचुरी इस जहाज़ में मुसलसल सफर करने के बावजूद इसमें मौजूद तमाम मुसाफिर इस जहाज़ पर सवार हुए थे अभी भी उसी उम्र के थे ये बात मानने में नहीं आती मगर आवाम को यही कहानी सुनाई गई है तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी इस तरह की मजीद मालूमती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़